नमस्ते डियो व्यूवर्स तो आज के इस वीडियो में हम लोग बैलिस्टिक कैल्विनोमीटर से रिलेटेड दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो है चार्ज सेंसिटिविटी और एक है करंट सेंसिटिविटी ये दोनों एक मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं ठीक है तो चलिए चार्ज सेंसिटिविटी से स्टार्ट करते हैं चार्ज सेंसिटिविटी का जो डेफिनेशन है वो है द चार्ज सेंसिटिविटी ऑफ अ बैलिस्टिक गैलविनोमीटर क्या देखा था कि जैसे ये है, ठीक है? और क्या होता था एक सस्पेंशन से फॉस्फोरस ब्रांच के सस्पेंशन से लगा हुआ होता था अगर मान लिया जाए कि इसमें से यूनिट चार्ज पास हो रहा है तो जब ये यूनिट चार्ज इसमें से पास हो जाएगा तो क्वाइल जितना डिफ्लेक्ट करेगा ठीक है ये क्वाइल जितना डिफ्लेक्ट करेगा उसी डिफ्लेक्शन को है ना उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं चार्ज सेंसिटिविटी अब देखिए यह जो है Q और सब टाइटल एस तो चार्ज सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला होगा वो हम कुछ ऐसे उसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चार्ज सेंसिटिविटी टिविटी जिसे हम लोग क्यू एस लिख रहे हैं ये इक्वल होगा किससे डिफ्लेक्शन 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 बाई चार्ज से ठीक है अब देखिए अगर हम लोग हम लोगों ने देखा था कि अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा नॉट होता है तो उसमें से चार्ज कितना फ्लो कर रहा था क्यू पिछले वीडियो में हमने देखा कि फॉर स्मॉल चार्ज क्यू जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्वाल को मिलता था वो कितना था नॉट और क्यू का वैल्यू हमने पिछले वीडियो में देखा था वो क्या था सी बाई एन बी ए थीटा नॉट इन टू टी बाई टू पाई था ठीक है जो हमने डिस्कस किया था थ्यूरी बायलस्टिक गैल्विनोमीटर का उसमें हम लोग को चार का चार्ज का वैल्यू ये मिला था तो अगर यहाँ पर हम लोग थीटा नॉट और थीटा नॉट कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या बच रहा है हमारे पास बच रहा है क्यू एस इज इक्वल टू देखिए एन बी ए बाई सी इंटू टू पाई बाई टी ये बच जाएगा तो जो चार्ज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हमें मिल रहा है वो क्या है क्यू एस इज इक्वल टू एन बी ए बाई सी इज इक्वल इन टू टू पाई टी इसे आप इक्वेशन नंबर वन रह लीजिए यहाँ पर जो एन है ये है नंबर ऑफ टर्न्स जो क्वाइल में प्रेजेंट होंगे बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड ए क्या है इफेक्टिव एरिया क्वाइल का सी क्या है सी जो है रीस्टोरिंग कपल है पर यूनिट ट्विस्ट ठीक है और टी क्या है टाइम पीरियड तो ये हो गया चार्ज सेंसिटिविटी जनरल थिंग उसके बाद होता है करंट सेंसिटिविटी देखिए करंट सेंसिटिविटी क्या होता है करंट सेंसिटिविटी का डेफिनेशन कुछ ऐसे होता है कि द करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट चार्ज सेंसिटिविटी क्या था चार्ज सेंसिटिविटी था डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट देखिए डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज और ये क्या है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ठीक है क्वाइल है इससे अगर एक यूनिट करंट पास होगा तो उस यूनिट करंट के पास होने के बाद हमारा क्वाइल जितना डिफ्लेक्ट करेगा जो डिफ्लेक्शन होगा उसी डिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे करंट सेंसिटिविटी तो करंट सेंसिटिविटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा देखिए यहां पर हमने क्या किया कि हमारा जो क्वाइल था उस क्वाइल का जो रिस्टोरिंग कपल हमने लिया था पिछली वीडियो में वो था स्मॉल सी ठीक है और जो टॉक होगा मतलब जब मान लिया जाए कि फॉर अ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन थीटा नोट हमने यहां पर कहा ना कि मैक्शन तो, तो जो टॉक लगेगा ठीक है मान लीजिएगा टॉक कितना होगा एनआईबीए इक्वल टू नोट यहां पर भी टॉक हमने निकाला सी थीटानोट और पिछली वीडियो में टॉक का जो वैल्यू हमने निकाला था वो क्या था एनआईबीए ठीक है तो ये जो एन आई बी ए है इसे हमने क्या, क्या? C सी नॉट से इक्वल किया ताकि हम लोग करंट आई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकें जो है सी बाई एन बी ए थीटा नॉट ठीक है अब हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो करंट जो करेंट सेंसिटिविटी uh, है ठीक है करंट सेंसिटिविटी तो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है मैक्सिमम नॉट और यहाँ पर करंट कितना है ये है तो यहाँ पर क्या होगा सी बाई एन बी ए अगर थीटा नॉट थीटा नॉट कैंसिल कर दे तो हमें क्या मिल रहा है एन बी ए बाई सी आप इसे इक्वेशन नंबर टू ले लीजिए देखिए यहाँ पर भी एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है जो क्वाल में प्रेजेंट होगा बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड ए क्या है अफेक्टिव एरिया और सी वही जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रिस्टोरिंग कपल है पर यूनिट ट्विस्ट अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर वन से हमें पता है कि क्यू एस का वैल्यू क्या है एन बी ए बाई सी इंटू टू पाई बाई टी है देखिए इक्वेशन नंबर वन को देखिए है ना टू पाई बाई टी अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखिएगा तो एन बी ए बाई सी क्या है करंट सेंसिटिविटी का वैल्यू है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना कि टू पाई बाई टी इंटू आई एस मतलब कि चार्ज सेंसिटिविटी चार्ज सेंसिटिविटी इज इक्वल टू टू पाई बाय टी टी इनटू करेंट करेंट सेंसिटिविटी ठीक है तो इसे आप इक्वेशन नंबर थ्री ले लीजिए ये जो इक्वेशन नंबर थ्री है ये क्या है चार्ज सेंसिटिविटी और करेंट सेंसिटिविटी के बीच का एक रिलेशनशिप है ठीक है ये भी आपसे पूछ सकता है वन मार्क के क्वेश्चन में ये पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में तो इस वीडियो में हम लोगों ने करंट सेंसिटिविटी और चार्ज सेंसिटिविटी के डेफिनेशन को डिस्कस किया बस जनरल थिंग, जनरल सा थिंग है हमें बस इतना याद रखना है चार्ज सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज और करंट सेंसिटिविटी क्या होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। बस बाकी अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है बैलिस्टिक गल का तो उसे देखिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो Q है उसका वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट किया था थीटा नॉट जो है जिसे हमने कहा कि ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो कैसे हमने वहाँ पर लिया था वो सारी चीज़ें वहाँ पर एक्सप्लेन है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपको कुछ भी डाउट है थोड़ा भी तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि आपका डाउट हम लोग हम लोग क्लियर कर सकें